बिल्कुल क्लियर हो सकता है रोड, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अभी पैदल जा सकते हैं। पैदल एक यहाँ से भी है चुका है, थोड़ा बहुत गिरा रहे हैं जिसकी वजह से पैदल अब लोग यहाँ ऊपर से जा रहे हैं। तो सो हे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? और एक लास्ट अपडेट दे रहा हूँ, लास्ट इसलिए क्योंकि आपके जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि आप व्यूज़ के लिए ये सब गलत अफवाह फैला रहे हो। अगर हमने एक भी अगर गलत अफवाह फैलाई है तो प्लीज़ आओ और देख लो खुद ही और आकर यात्रा कर ले, हमने कोई मना नहीं किया है। और बंटी हिमाचली जो है वो भी मेरे यहाँ से है, वो भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस इन सब चीज़ों की, ताकि आपकी आपको कोई ख़तरा ना हो। और आप लोग बोल रहे हो कि व्यूज़ के लिए सब कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए अगर हमने करना होता तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हम अनिमेश मेला शुरुआत ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये लास्ट अपडेट है, तो इसके बाद हम कोई अपडेट नहीं देंगे। और थैंक यू सो मच। और हेलीकॉप्टर की भी यात्रा शुरू हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ, उसकी बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं। जो पैदल नहीं चल सकते और मनीमेश जाने का उनका ड्रीम है, सो वो हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉबी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। एंड अभी दिखाता हूँ आपको मैं यात्रा। अभी हम जैसे ही आधे रास्ते पहुँचे तो यहाँ पे लोग जो थे वो आधे पैदल जा रहे थे। ये देखिए चक्कर क्या है कि जो पुलिस वाले हैं वो बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो ये वो है रोड वगैरह से पत्थर वगैरह गिर रहे, इसलिए बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं है। तो आपसे आगे मिलता हूँ, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है। सो अभी जो पहले पॉइंट ख़राब था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उसको देखते हैं अब कितना हद तक वो सही, पहले भी वो सही था पर अभी देखेंगे क्या कितना वो तो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। तो मेन जो है वो आगे ही है, आगे आगे बगल स्कूट। तो यहाँ पे देखिए सारे जो भी है ये फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वो रोड ठीक करने में लगे हुए हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से गाड़ी बाइक्स दोनों जा सकती हैं आराम से बिल्कुल। और अभी देखिए आप आगे क्या होता है, धूल काफ़ी ज़्यादा होगी, पत्थर जो है अरे परे गिरे हुए हैं। बस कर उस लोकेशन पे पहुंच चुके एग्जैक्ट जहां पर आप रोड जो ख़राब था, अभी आपको यहां पे बताएंगे हम कि क्या सिचुएशन है और कब तक ये रोड खुल सकता है। गाड़ियां तो फिलहाल पीछे ही लगी हुई हैं सारी, तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है आगे चल के। धूल तो यहां पर बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो अभी बताते हैं आपको। यहां पे बाइक मेरे को यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी हमारी। ये देखिए उस एग्जैक्ट लोकेशन में हम पहुंच चुके हैं जहां पे कि रोड ख़राब है। इससे आगे मेरे को लगता है अभी तक जाने नहीं दे रहे क्योंकि पूरी खुदाई कर रहे हैं अच्छे से, सारे यात्री यहीं पर हैं। ये देखिए जो ब्रिज गिरा हुआ था वो अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक इन्होंने बना दिया है, और यहाँ पर पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। इससे आगे नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। देखिए गाड़ियाँ दूसरी साइड ही फंसी हुई है अभी तक, और यहाँ से आपको लिफ्ट मिल जाएगी हदसर तक की। और ये देखिए अभी क्या सिचुएशन, बिल्कुल क्लियर हो सकता है रोड, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अभी पैदल जा सकते हैं। पैदल एक यहाँ से भी है, यहाँ से अगर आप जाओगे यहाँ ऊपर से तो वहाँ पहुँच सकते हैं आगे तक। तो ये देखिए वहाँ उतर रहे हैं लोग, ये देखिए वहाँ हाँ गए भाई, ये देखिए ये लोग उतर रहे हैं यहाँ से जाकर वहाँ उतर रहे हैं। बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा है, ये देखिए काम बहुत अच्छे से लगा हुआ है, ये देखिए। ब्रिज टूटा था कहाँ पे? ये देखिए ब्रिज काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए जो दुर्घटना हुई है उस दिन।
आपने रोड की कंडीशन देखी, कल तक भी रोड मतलब पैदल का तो बन ही चुका है, थोड़ा बहुत गिरा रहे हैं जिसकी वजह से पैदल अब लोग यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, तो कल तक तो पूरा रोड ये तैयार हो जाएगा क्योंकि आज पूरा दिन भर इन्होंने काम किया और कल भी ये दिन भर पूरा काम करेंगे, पूरे दो दिनों में ये रोड प्रॉपरली खुल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अभी दिखाते हैं आपको हेलीकॉप्टर की सेवा कैसे होती है, और बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर की, तो मिलते हैं हेलीपैड में। यहाँ से देखिए ये जो लोग जा रहे हैं ये ऊपर से रास्ता है, ऊपर से होकर ये दूसरी तरफ मिलेगा, तो यहाँ से आप जा सकते हैं पैदल। पहुँच गए हेलीपैड में जहाँ पे कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे कि जहाज वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी गए हैं वो, तो अभी जैसे ही आते वहाँ से आप जैसे ही वो आते हैं वैसे आपको बताएंगे। वो भाई देखो फील तो आ रहा है, बड़ा मजा भी आया।